कितने लोगों को मेरा प्रोग्राम मिला था, कैन आई सी योर हैंड, कुछ लोगों को प्रोग्राम मिला कि आप लोगों ने दुआ की थी या नहीं, कि चर्च में बैठे हुए हैं आप लोग, जिन लोगों ने दुआ की थी वो हाथ उठाएं। सिर्फ एक दो हाथ उठे हैं, तीन हाथ उठे हैं। तो ये जब मैं प्रोग्राम भेजता हूँ तो इसका मकसद ये होता है कि आप लोग दुआ करें, हम अपने सरों को चुकाएं और दुआ के लिए तैयार करें। सब अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया, प्रेज जीसस। आए खुदामंद खुदा, तेरे जबरदस्त मसा को, तेरी अनाइंटिंग को, अनाइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, आए खुदावंद खुदा, हर एक को संजीदगी की रूह अता कर, ताकि हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोग, तेरा मस्सा, तेरी कुदरत हमें घेरे रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। इससे पेशतर कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनके पास मोबाइल हैं, जो हवाला डालने में मदद कर सकते हैं, वो ज़रूर हवाला जात शेयर करें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बाद में आने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए आसानी होती है हवाला जात को देखने से। और जो फेसबुक पे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो और बहन भाइयों को इन्वाइट करें, ताकि इन मुश्किल सवालों के जवाब वो जान सकें। तो आए हम अपना पहला सवाल सैमुअल गिल से सुनते हैं कि क्या सवाल हमारे पास आया है। सवाल नंबर एक, क्या तू वो नबी है? क्या तू, छोटा सा सवाल है लेकिन जवाब देखना कि बड़ा लंबा है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम इस कॉन्टेस्ट में जाएं, इस हवाले में जाएं जहाँ ये सवाल पूछा गया, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 19, 20, 21, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 19 बाब 19 से 21 आय तक। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से कहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? अगर तू मसीह नहीं तो फिर कौन है? मेरे साथ रहें, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तो आगे आप खुद पढ़ सकते हैं, क्या तू वो नबी है, तू मसीह भी नहीं है। वो ये समझ के आए कि यूहन्ना इस्तबागी जो है ये खुदा यीशु मसीह है। तो ये सवाल भेजने के लिए फकीयों, यहूदियों ने फकीयों और फरीसियों को भेजा, किसके पास भेजा? यूहन्ना इस्तबागी के पास, कि क्या तू यीशु है, क्या तू एलिया है और क्या तू वो नबी है। तो उसने इकरार किया कि मैं जो कुछ आप पूछ रहे हैं मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट सवाल किया, बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं यशाया नबी, जैसा यशाया नबी ने कहा, बियाबान में एक पकारने वाले की आवाज़ हूँ कि उसके कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। तो ये आपको मिल जाएगा यशाया अजाया चैप्टर 40 और उसकी पहली चंद यात में ये हवाला आपको मिल जाएगा। तो अब हमने ये देखना है, इसको समझने के लिए हमें पुराने ऐदनामे में जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो इन ओल्ड टेस्टामेंट, इस्तिश्ना
डिट्रोनोमी चैप्टर 18 वर्स 15 स्तिशना 18 बाप उसकी 15 आयत। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानन एक नबी बरपा करेगा, तुम उसकी सुनना, ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावन अपने खुदा से मजमा के दिन हुरम में की थी कि मुझको ना तू खुदावन अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े। आगे आप खुद पढ़ लेते हैं, पढ़ लें कि यहाँ पर खुदावन मूसा से कह रहा है खुदावन तेरा खुदा कौन भेजेगा, खुदावन खुदा भेजेगा, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद, ये किसकी मानंद होगा, मेरे साथ हैं आप लोग, किसकी मानंद होगा, जवाब नहीं, फिर दोबारा सुने, होश में आ जाएं सारे, खुदावन तेरा खुदा कौन, खुदा खुदा मुतकल्लम है, गॉड इज मुतकल्लम, खुदा कलाम कर रहा है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से, अब चला रहा है कौन, खुदा चला रहा है, खुदा कह रहा है तेरे ही भाइयों से मेरी मानंद, अब बताएं किसकी मानंद, कैन यू क्लैप फॉर जीसस, हालेलुया। अब यहाँ पर हमारा मतलब किसी डिनोमिनेशन को या किसी रिलीजन को नीचा नहीं करना, बल्कि हम तमाम मजहब की इज्जत करते हैं और करनी भी चाहिए, और कुछ लोग हैं जो इसको खींचतान के अपने पैगंबर की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं उनसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको अपनी वाल पर, अपनी पोस्ट पर शेयर करें इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कीमती मैसेज को सुन सकें, और जो बाद में आने वाले हैं उनको भी मौका मिल सके। और जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है, अगर आप हवालात को डालते जाएँ, इसमें फैसिलिटेट करें, ताकि बाद में आने वालों को बरकत मिले। अब मैं आप लोगों से ये शेयर करने को जा रहा हूँ, और वाला जात भी आपसे शेयर करूँगा, शायद हो सकता है कि एक ही सवाल मुश्किल से हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना हो उतना मुकम्मल हो। और अब हमें ये देखना पड़ेगा, जब खुदा कह रहा है कि तेरी मानंद तेरे ही भाइयों में से क्या होगा, मेरी मानंद एक नबी बरपा करेगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट दी सिमिलरिटीज कि मूसा की खसूसियात क्या थी और उस नबी के अंदर क्या खसूसियात थी, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये किसकी बाबत हो रहा है, फिर हम हवाला जात से भी मैं साबित करूंगा। और आप लोग कॉपी पेंसिल रखें और इसको लिखना शुरू करें, ये आपके काम आएगा। बहुत सारे लोग जहां जॉब करते हैं, काम करते हैं, लोग से सवाल करते हैं और पूछते हैं, सबसे पहले जब मूसा पैदा हुआ तो क्या मसला हुआ उसके साथ, उसकी जान को खतरा था, डेंजर ऑफ टू हिज लाइफ। जब जीसस पैदा हुआ उसकी भी जान को खतरा था। तेरे ही भाइयों से मेरी मानंद एक नबी पैदा करेगा, और ये नबी कौन है, खुदावन्द यीशु मसीह है। तो ये मैं क्लियर करता चला जाऊं, ये बात मैंने बता दी। और दूसरी जो सिमिलरिटी है, मूसा की जान को मौजाना तौर पर बचाया गया या मौजाना तौर पर बची, क्योंकि फिरौन उसको कत्ल करना चाहता था, फरोहा वांट टू किल हिम। जब मसीह यीशु पैदा हुआ तो फिर क्या हुआ, उसकी जान को भी खतरा था। उसकी जान को किससे खतरा था, बोलिए आप लोग मैं चाहता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हो, आवाज आई है हेरोदीस बादशाह से, तो क्या दोनों बचाए गए, आवाज नहीं आई जी, दोनों बचाए गए। मैं कहता हूँ कि बोले, अपनी जबानों को खोलें। और तीसरी सिमिलरिटी हम देखते हैं या खसूसियत दोनों में देखते हैं, मूसा का पहला मौजदा क्या था, पानी को उसने खून बनाया, और जीसस का पहला मौजदा पानी को मैं बनाना था, मेरी मानन, मेरी मानन। और उसके बाद नंबर चार, मूसा जानों को बचाने का वसीला बना, मोसेस सेव द सोल्स दोज हु आर इन स्लेवरी इन इजिप्ट, मूसा जानों को बचाने का वसीला बना, और खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा देकर तमाम कौमों को बचा लिया। कैन यू क्लैप फॉर जीसस, आर यू हैप्पी, हालेलुया, हालेलुया।
अब आज आपकी तिशनगी दूर हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर दिन रात मेहनत की है, सवाल के ऊपर घंटों घंटे मैंने जगाली की है और उस पर गौर किया है और आप लोगों के लिए लुगाज से रेमा बनाया है। आजकल जो है खादम जो है वो भेड़ों को लुगाज ही पे टरका देते हैं, सूखी घास पे ही टरका देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सूखी घास नहीं बल्कि हरी घास, वो मुझे हरी हरी चरगाहों में ले जाता है। Psalm 23:1-2 ये नंबर 5 था। नंबर 6, मैं ये चाहता हूँ कि जो हवाला निकाले इस हवाले को पढ़ दे, मैं जबानी पढ़ता जा रहा हूँ ताकि टाइम की बचत हो। निकाले निकाल के पहले रख ले Ibraniyon 3:3-6, हिब्रियों चैप्टर जिनके पास माइक है वो जरूर पढ़े ताकि माइक के अंदर आवाज आ जाए। Ibraniyon 3:3-6 दोनों वफादार खादम थे, कौन? मूसा और खुदावंद यीशु मसीह। अगर मिल गया तो पढ़ दे। क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज्यादा इज्जत के लायक समझा गया जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज्यादा इज्जतदार होता है। चुनाचा हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। मूसा तो उसके सारे घर में खादिम की तरह दयानतदार रहा ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे, लेकिन मसीह बेटी की तरह उस घर का मुख्तार है और उसका घर हम हैं, बशर्तिया के अपनी दलेरी और उम्मीद का फखर आखिर तक मजबूती से कायम रखें। आमीन आमीन। तो यहाँ मोसेस इज अ ऑनेस्ट सर्वेंट ऑफ हिज हाउस और जीसस वाज फेथफुल सन टिल टू डेथ। Philippians 2:5-7 अब 5-10 तक पढ़ सकते हैं। तो दोनों ही खादम जो है, एक वफादार खुदा का खादम है मूसा और यीशु मसीह वफादार खुदा का बेटा है जिसने अपनी जान सलीब पर दी। मैंने दो हवाले बताए आप लोगों को, Philippians 2:5-10 नंबर 6, ये वो बातें जो हमारे से हिडन हैं। अब मैं क्या बयान कर रहा हूँ आप लोगों ने जवाब देना है, दोनों की खसूसियात क्या थी। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पैगंबर के साथ है वो भी साथ साथ इसको टैली करते जाएं, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मूसा ने 12 आदमियों को, अगर आप कलामे मुकद्दस में गिनती 13 बाप निकालें तो आप इसको लिख लें। पहली जो है कम से कम 9-10 याद आप लिख लें, 1-10 हम पढ़ेंगे नहीं इसमें देर हो जाएगी, तो 1-10 जो है वर्सेस आप लिख लें। जब वो मुल्के कनान के करीब आए तो मूसा ने 12 आदमियों को वहां का हाल दरियाफत करने के लिए क्या किया, भेजा। और यीशु ने कितनों को भेजा, 12 को। हालेलुया, आर यू हैप्पी, कैन यू क्लैप फॉर जीसस, हालेलुया, रब रजील रब नसूर भाईया लजीर रब नसूर, हालेलुया हालेलुया। क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं? यस, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। अब तीसरा और सातवां पॉइंट, ये बड़ा जबरदस्त है और मैं चाहूंगा Khurooj 32:28 आप में से कोई भी निकाले और बुलंद आवाज से पढ़े। जब मूसा को शरीयत दी गई तो कितने आदमी मारे गए थे? हरियब, व्हेन गॉड गेव लॉ टू मोसेस हाउ मेनी पीपल डाइड? नो वन, 3,000। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने पाकरू नाजिल किया तो कितने लोगों को मिला? 3,000। हालेलुया, प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। हवाला पढ़ दें अगर निकाल लिया तो। मैंने बोला Khurooj 32:28, सब गौर से सुने। Khurooj 32:28 और बनी लादी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया, चुनाचा उस दिन लोगों में से तकरीबन 3,000 मर्द खेत आए और मूसा ने कहा कि आज खुदावन के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से बस कितने आदमी मारे गए? 3,000। जब मूसा पहाड़ पर गया था और 10 अहकाम लेने के लिए गया था, उन्होंने तोड़ दिए थे और खुदा का ये उस वक्त का पैगाम है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 3,000 आदमी क्या हो गए, मारे गए। खुदा ने मूसा को 10 अहकाम दिए
और खुदावंद यीशु मसीह को नंबर 8 या 9 है, पता नहीं कौन सा नंबर 8 होगा मेरा ख्याल, 10 मुबारकबादियां दी, मैथ्यू चैप्टर 5। तो मैंने 8 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए कि तेरी मानन, खुदावंद खुदा कह रहा है कि मैं तेरी मानन, तेरे ही भाइयों में से, वो भी लावी खानदान से, जब मसीह यीशु भी उसी खानदान में से पैदा हुआ, आप इसको जो है 9वां पॉइंट गिन सकते हैं। तो तेरे ही भाइयों में से, और भाइयों का समझने के लिए जो है एक हवाला पढ़ ले, फिर मैं हवाला जात की तरफ आता हूँ। और मैंने रिक्वेस्ट की थी जो बहन भाई हवाला जात डाल सकते हैं वो जरूर लिखें, और जो मुझे देख रहे हैं वो भी अपने हवाला जात लिख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी करें। मैंने कहा डिट्रोनोमी चैप्टर 17:15 भाइयों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो तू बहरहाल फकत उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। आगे बात आ गई, तू अपने भाइयों में से ही किसी को अपना बादशाह बनाना। तो यहाँ पर भी खुदा मुतकल्लम है, यानी जब बादशाह चुना जाए तो वो गैर कौमों में से ना चुना जाए बल्कि तेरे ही भाइयों में से चुना जाए। जब यीशु बादशाह आया, हालेलुया, तो वो अपने ही लोगों में से आया, अपने ही भाइयों में से आया, वो अपने ही उस कबीले में से आया। हालेलुया, कैन यू क्लैप फॉर जीसस, हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, जोर से बोले, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। आर यू हैप्पी? यस, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरेकी। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, हमने हवाला पढ़ा था गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1:21। अब मैं चाहूंगा कि हवाला जात पढ़ने में जरूर मेरी मदद करें, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सैम आप भी, तो आपके पास एक ही नहीं बल्कि सैम आप भी, तो आपके पास माइक है तो माइक पकड़ लें, और इसको भी अगर माइक आपके पास किसी के पास फालतू है तो अलविना को भी दे दें, ताकि 2-3 आदमी जो पहले हवाला निकाल ले वो पढ़ ले। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1:45, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पहला बाप उसकी 45 आयत, और फिर दूसरा हवाला मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाप उसकी 14वीं आयत, फरसीना आप निकाल लें। यूहन्ना पहला बाप, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील पहला बाप उसकी 45 आयत, 45 वर्स। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है। हाँ। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। थैंक यू, आप समझे या नहीं समझे, दोबारा से पढ़ें, गौर करें, जिसका जिक्र मूसा ने किया है। फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया। मिल गया है, हालेलुया। वो यीशु का बेटा, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। थैंक यू। 6:14, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 6:14। बस जो मुआजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। हालेलुया, यानी जो नबी आने वाला था फिल हकीकत यही है। फिर खूबसूरत हवाला इसको साबित करने के लिए कि मेरी तेरी मानंद है, तेरे ही भाइयों में से एक नबी पैदा करूंगा, जिसका हवाला हमने पढ़ा इस्तिशना की किताब में से, और इमाल 3:22-23 Acts chapter 3:22-23। चुनाचा मूसा ने कहा कि खुदावन तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, और यूँ होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बस क्या समझे, यहाँ पर दोबारा पढ़ें। चुनाचे मूसा ने कहा खुदावन तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी बरपा करेगा। हालेलुया, यहाँ पर कौन मुतकल्लम है? खुदा। तो मैंने कहा कि कुछ लोग खींच तान कर अपनी तरफ खींचते हैं इसको, इस पेशन गोई को, लेकिन आज मैंने वाजिया कर दिया, जो लोग मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं वो भी हवाला जात डालने में मदद करें, और इसके साथ साथ जो है यहाँ बैठे हैं वो भी हवाला जात डालने में मदद करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। एक और हवाला पढ़ लें, ये भी अमाल की किताब में से है, 7:32 है, Acts chapter 7:32।
हिमाल 7:32 है। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारा से ताज्जुब किया और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावन की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दाऊद का खुदा यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत ना रही। खुदावन ने उससे कहा कि अपने पांव से जूती उतार ले क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। पढ़ो। हाँ, हिमाल 7:32 है। अब हाँ 7:37 है, सॉरी 37। एक्ट चैप्टर, यही शख्स उन्हें निकाल लाया। एक मिनट, एक्ट चैप्टर 7:37। हाँ, ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदावन तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कि कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था। थैंक यू। तो आपने अगर इन सारा वलाजात को लिख लिया है तो घर जाके जरूर स्टडी करना, फिर इस पेशेंट गोई के साथ इसको टैली करना और जो 8-9 पॉइंट मैंने बताए हैं, जैसे मूसा 40 बरस तक बियाबान में रहा, यसू भी 40 दिन बियाबान में रहा। ये 10वां पॉइंट जो है मैंने आपके साथ शेयर किया सिमिलरिटीज में। यूहन्ना आखिरी हवाला है और इसमें जो है मैं स्टैंप, बल्कि मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम स्टैंप लगा देगा कि ये वही नबी है। वैसे तो मैंने सिमिलरिटीज में भी बता दिया और हवाला जात से भी बता दिया। जो बहन भाई हेल्प कर रहे हैं हवाला जात डालने में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यूहन्ना आखिरी हवाला है और इसमें जो है मैं स्टैंप, बल्कि मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम स्टैंप लगा देगा कि ये वही नबी है। वैसे तो मैंने सिमिलरिटीज में भी बता दिया और हवाला जात से भी बता दिया। जो बहन भाई हेल्प कर रहे हैं हवाला जात डालने में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ताकि आने वालों को मौका मिल सके। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 5:46-47। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे। हालेलुया। अब मेरे साथ रहें, आपने जवाब देना है। यहाँ कौन मुतकल्लम है? मुतकल्लम का मतलब कलाम करने वाला, बोलने वाला। जोर से आप सही बोल रहे हैं, यीशु। हालेलुया। अब मैंने यहाँ क्लियर कर, यहाँ पर बात होगी क्लियर कट होगी। जितने मैंने हवाले दिए थे वो खुदा कह रहा, अब बेटा जो उसकी मानत बनने वाला था, जिसका पेशेंटगोई की गई है, वो खुद मुतकल्लम है, वो खुद कलाम कर रहा है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए, हालेलुया, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। क्या आप खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सवाल हम पढ़ने को जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी वालदा को आए औरत क्यों कहा? हाँ, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी वालदा को अपनी हयात में कितनी बार औरत कहा था? हाँ, ये तो काना ग्रिल की शादी का हो गया ना वाक्या, ये तो वही वाक्या है, सलीब पर से कहा था। और ये आप 19 मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसकी 19 सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ 19 और उसकी हम पढ़ेंगे 26 वर्ष। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आई औरत, देख तेरा बेटा ये है। हाँ जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। तुम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। आप 3:15 निकाल के रखें। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी वालदा मोहतरमा को आए औरत क्यों कहा। अक्सर हमारे थियालुजीन जिन्होंने किताबें लिखी हैं और जो कलमा बोलते हैं, तीसरा कलमा, मोहब्बत का कलमा, कलमा खादम का कलमा मोहब्बत का सुन रहा था, वो करीब करीब भी नहीं आया। हमारे पासबान जो है ऐसे लोगों को, जैसे हमारी मुल्क में, वतन में जो है ना, पासदारी पाई जाती है, चेहरों को देखा जाता है और उन्हीं को आगे लाया जाता है। तो हमारी कलीसियों में भी सियासत घुस गई है। कोई आए उस कलाम को जाने ना जाने, बस ये कि इन लोगों की वजह से मेरा चर्च कायम है, चर्च कायम रहे। तो अपनी मनपसंद के लोगों को वो नवाजते हैं, जैसे जो है मनपसंद के लोगों को
वहाँ में से जो हमारे वो हैं वज़ीर आज़म है या कमेटी है हुकूमत है उनको नवाज दें अपनी मनपसंद के लोगों, और यही कुछ आज भी हो रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि मैंने अभी क्या बोला था कि जो थियोलॉजियंस हैं, जो मुफस्सर हैं, जो तशरी करने वाले हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, किसी ने कोई किताब किसी मुफस्सर की पढ़ी है या नहीं पढ़ी कलमों के हवाले से? तो मैं यहाँ लेकर आया था लेकिन आप लोगों ने ली नहीं। मैंने फिर वो सारी की सारी धारदाई 3000 जो किताबें फ्री में सब लोगों को दे दी, एक पास्टर को दे दी, और वो बयान ये करते हैं, अगर आप गूगल में जाएं इसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप खादमों की, ये खादम हमारे लिए हर दो चंद इज्जत के लायक हैं, लेकिन हम वही बयान करते हैं जितना खुदा के साथ हम चलते हैं। हमारी दौड़ क्या होती है, हम ज्यादा से ज्यादा गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल सही नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको सही जवाब दे, और हम सहारा लेते हैं किताबों का, मुफस्सरों की, बड़े जैयद जो आलम है जिन्होंने किताबें लिखी है, जिन्होंने सात कलमों के ऊपर कलम उठाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप कल किसी वक्त भी आके कोई भी बुक जो सात कलमों पे उठा के देखना तीसरा कलमे के बारे में उन्होंने क्या बयान किया है। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ कि वो लुगास को रेमा नहीं बनाते। खुदा यीशु मसीह ने एक बार, मेरे साथ रहिए, अपनी बशरियत में कहा आए औरत मुझे तुझसे क्या काम है, और दूसरी बार जाते जाते सलीब पर कहा आए औरत मुझे तुझसे क्या काम। खुदावंद कह रहा है मैंने तो ये मकाशफा अपनी हयात ही में तुम्हें दे दिया था, लेकिन तुम नहीं समझे कि मैंने अपनी माँ को औरत क्यों कहा है। अब मैं जाते जाते इस मिस्ट्री को, इस राज को कि मैंने अपनी वालदा को आए औरत क्यों कहा, मरजई इसके ऊपर बड़ा अतराज चाहते, गैर कौमें, गैर मसीही इस पर बहुत अतराज चाहते, अपने लोग भी इस पर अतराज चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी वालदा मोहतरमा को औरत क्यों कहा। जो फिलासफर हैं, जो किताबें लिखने वाले हैं, वो यूनानी का सहारा लेते हैं, यूनानी के एक लफ्ज का सहारा लेकर आगे निकल जाते हैं, और वो कौन सा यूनानी का लफ्ज है, गुने। वो यूनानी का लफ्ज गुने है जिसका मफहूम है आए मुअज्जज़ खातून, आए मुअज्जज़ बीबी। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से जितने यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कभी आपने अपनी वालदा को मुअज्जज़ खातून कहा या मुअज्जज़ बीबी कहा है? माँ की ममता को ठंडक उसी वक्त मिलती है जब उसको माँ कहा जाए। माँ कब बनती है? बेटा होने से माँ बनती है। अगर बेटा नहीं है माँ भी नहीं है। बाप कब बनता है? बेटा होने से बाप बनता है। शादी हो जाती है लेकिन माँ बाप नहीं बनते, माँ बाप नहीं बनते, मियाँ बीबी तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ यीशु ने माँ की बजाय क्या कहा, आए औरत मुझे तुझसे क्या काम है। पहले हवाले में जो है यूहन्ना की झील 19 बाप उसकी 26 आयत में लिखा कि फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा, देखकर कहा कि आए औरत मुझे तुझसे क्या काम है। यानी ये खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि अपने शिगिर्द की तरफ देखा कि ये तेरी माँ है, और फिर माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है, आए औरत देख तेरा ये बेटा है, और वो कौन शिगिर्द था? यूहन्ना। उसके बाद वो उसे अपने घर ले गया। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मकाशवा इसमें क्या छुपा हुआ है, ये पढ़े हवाला, और मैं तेरे पदाश 3 बाब जेनेसिस चैप्टर 3:15, और मैं तेरे और औरत के, सब गौर से सुने, सॉरी, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, हाँ जी, मैं तेरे और औरत के दरमियान, और तेरी नस्ल और औरत और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। थैंक यू। मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा? अदावत डालूंगा। ये पेशेंट को ही खुदावंद पूरी कर रहा है कि मैं ही वो औरत का बेटा हूं जिसने सलीब पर चढ़कर अबलीस के सर को क्या कर दिया है, कुचल दिया। जोरदार बाबा जी, हालेलुया, रखना दा ब्राजील बना दो, ब्राजील बना दी, ब्राजील बना दी, ब्राजील बना दो, ब्राजील बना दी, हालेलुया। मैं ही वो औरत की नस्ल हूँ जिसने सलीब पर चढ़कर अबलीस के सर को कुचल दिया। जाते जाते रूमियो 16 बाब के 20 आयत नोट कर लें। एक बार हमारे बड़े भाई ने अबलीस के सर को कुचला सलीब पर, दूसरी बार मेरी और आपकी बारी है। हाँ, रूमियो 16 बाब 20 आयत, खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है, अगर निकाल लिया तो पढ़ दे, मैं जबानी पढ़ रहा हूँ, खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है वो अबलीस को जल्द
क्या करेगा, तुम्हारे पांव तले क्या करेगा, कचलवा डालेगा एड़ी के नीचे। मैंने तुझे दुश्मनों पर इख्तियार बख्शा है और तारीकी की फौजों पर इख्तियार बख्शा है, ताकि अबलीस को क्या करो, उसकी फौजों को पांव तले क्या करो, रौंदो। लुका 10 बाप उसकी 18वीं आयत का वाला मैंने बताया। तो लिहाजा जी मेरा ख्याल दो सवाल ही काफी है, तीसरा जो है लंबा हो जाएगा, तो मैं उसके बारे में जो है ना हम वो नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तीसरा सवाल पढ़ दे ताकि लोगों को पता चल जाए कि नेक्स्ट टाइम जो है हम इस सवाल पर गौर करेंगे। सवाल नंबर 3, नाराजगी की दौलत से दोस्त पैदा करो, उससे क्या मुराद है? हाँ, क्योंकि टाइम हमारा हो गया है, इस वक्त जो काफी 9:20 हो रहे हैं, तो मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आइए हम अपने सर को झुकाएं।